चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कई धरने हमारे जिले में हो चुके हैं अब तक। अपना काम काज छोड़कर संघर्ष करें, ये कोई जिंदगी नहीं है। आज आप और हम यहाँ पर एक स्थायी समाधान के लिए उपस्थित हैं। सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, यहाँ पर मौजूद बहुत बड़ी तादाद में गांव देहात और हमारे इलाके से पहुंचे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग और मंच पर उपस्थित सभी खापों के हमारे बाबा जी, और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक को मजबूर करके कवर करने करवाने वाले हम सबके आदर्श आदरणीय राकेश टिकैत जी, यहाँ पर उपस्थित सदन के विधायक हमारे बड़े प्रसन्न चौधरी जी, थाना भवन से विधायक अशरफ अली खान जी, और तमाम जितने भी लोग मुजफ्फरनगर से हमारे आपके सभी के बड़े हरिंदर मलिक जी, और जितने भी लोग सभी जो यहाँ पर उपस्थित है धरने को समर्थन देने आए हैं, आप सभी को नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ बहादुर सिंह अंकल जी को, जिन्होंने लगभग 3 महीने से धरने को संभाला, आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक ले आए। इनकी बड़ी कुर्बानी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, एक बार इनका अभिवादन कर दे तालियों के साथ। ये कई धरने हमारे जिले में हो चुके हैं अब तक, और जो सरकार है बार बार हमारी बातों को अनसुना करती है, आपको हमें मजबूर करती है कि हम लोग धरने पर बैठे अपना काम काज छोड़कर संघर्ष करें, ये कोई जिंदगी नहीं है। और आज आप और हम यहाँ पर एक स्थायी समाधान के लिए उपस्थित हैं, और स्थायी समाधान मेरी राय में हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पधार चुके हैं। बात जब स्थायी समाधान की हो रही है तो मेरी अपनी जो सोच है, स्थायी समाधान जब तक हम विचारधारा नहीं बदलेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ये जो सरकार है ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हर चीज की शुरुआत, हर चीज को आगे ले जाने का काम कहीं ना कहीं राजनीति से होकर गुजरता है। तो जब तक हम ऐसी सरकार को नहीं बदलेंगे जहाँ किसानों की कोई सुनवाई ना हो, जहाँ किसानों की पीड़ा जिस सरकार के दिल में ना हो, तब तक हम इसी तरह हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने धरने पर बैठे रहेंगे अपने सब कामकाज छोड़कर। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, यहाँ पर सभी बड़े लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं जो समाधान दिलाने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग गहन सोच रखिए, लंबी सोच रखिए, और ऐसी पूंजीपतियों को आगे बढ़ावा देने वाली सरकार को हटाकर किसान युक्ति सरकार